हेलो गाइस, ये है फिश बोनलेस। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 7-8 घंटे से, और इसमें बिना ऑयल के जो है मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी जो है मैंने ऑलिव ऑयल और अपने लहसुन, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, नमक और लेमन डाल दिया था, और इसको मैरिनेट करके अभी मैं तल के खाऊंगा। और आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा, देखिए बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। और चलो फायर, इसको फायर थोड़ा कम कर देते हैं, उसके बाद इसको चलाएँ। ये एक बार पकाना है आपको ज़्यादा नहीं, और ये बहुत ही डिलीशियस हो रही है। इसका फार्मूला मैंने देखा था यूट्यूब पे, और आप भी जो है यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं। बेहतरीन, ओहो, खुशबू बेहतरीन आ रही है। आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है बाहर। बारिश में मच्छी खाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। ओहो, इसको फैन चालू कर देता हूँ मैं, थोड़ा एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये है लेमन वाली फिश। इसमें जो है भाई बोनलेस फिश, इसको आप मैरिनेट करके रख लीजिएगा ऐसा। ऑलिव ऑयल थोड़ा डालिए 2 चम्मच, उसके बाद 1 नींबू और लहसुन, काली मिर्च और लाल मिर्च। इसके बाद उसको बाद में निकालिए पैन पे, बिना ऑयल डाले इसको धीमी आंच पे आप फ्राई करिए, और इसके बाद खाइए। फ्राई बनने के बाद में कुछ इस तरीके की दिखती है ये फिश, लेमन वाली फिश बोनलेस, बेहतरीन। अभी हम इसको खाएंगे। ये है लेमन फिश, हमने बना के अभी आपको यहाँ पे लेकर आए हैं, और हम इसको खा के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बेहतरीन, आपके मुँह में पानी आ रहा है पता है, लेकिन लेमन फिश बेहतरीन, लाजवाब। मैं खाने का शौकीन हूँ भाई, बिरयानी मच्छी ठीक है, अल्लाह की ये तो आप घर में ट्राई करें।